एक अद्भुत सैनिक और एक पौराणिक कहानी का नायक, तुम्हारा भाई जिसे देवता मानते हैं, जब वो आएंगे, और वो जरूर आएंगे, राजा मौली जी का ट्रिपल आर के सीक्वल के बारे में क्या कहना है? राम और भीम ने कौन सा काम पूरा किया ट्रिपल आर में? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए मेक श्योर आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेजेंडरी डायरेक्टर SS राजामौली सर की रिसेंटली रिलीज्ड मूवी ट्रिपल आर के सीक्वल के बारे में, यानी कि ट्रिपल आर रिटर्न्स या फिर ट्रिपल आर 4। ट्रिपल आर मूवी इस साल की बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर मूवी है, एटलीस्ट जब तक KGF चैप्टर 2 उसे ओवरटेक ना कर ले। बट फिलहाल 2022 के नंबर 1 पे तो ट्रिपल आर मूवी ही है। ट्रिपल आर एक ऐसी मूवी है जो कभी भी वन टाइम वॉच बन ही नहीं सकती। जितनी बार भी इस मूवी को देखेंगे हर बार मजा ही आएगा। राजामौली जी ने बहुत शानदार तरीके से एक नई कहानी को बखूबी स्क्रीन पर उतारा है। अब जब मूवी को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फेवरेबल रिस्पॉन्स मिलेगा तो एक सवाल सबकी जुबान पर ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा कि क्या ट्रिपल आर मूवी का सीक्वल बनेगा। तो इसके बारे में पूछे जाने पे खुद SS राजामौली ने बताया कि ट्रिपल आर मूवी अगले साल 2020 में तैयार हो चुकी थी, मगर कोविड और लॉकडाउन के चलते उन्होंने इस मूवी को पॉज पे रखा और 2022 में जैसे ही एक परफेक्ट मौका मिला उन्होंने इस फिल्म को रिलीज कर दिया। राजामौली का कहना है कि वो अभी भी ट्रिपल आर फिल्म द्वारा जनरेटेड ही, चाहे बॉक्स ऑफिस पे हो या फिर फैंस के दिलों में, उस मूवी हीट में ही है। उनको अभी भी इस जनरेटेड हीट से कूल डाउन होने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन वो खुद ट्रिपल आर 2 के लिए एक्साइटेड और इंटरेस्टेड है क्योंकि वो भी रामचरण और जूलियन NTR के साथ दोबारा काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड है। ट्रिपल आर 2 के लिए बहुत ही ज्यादा पॉसिबल आउटकम्स बन सकती हैं क्योंकि राम ने अपने पिता से किया हुआ वादा पूरा किया और वो हथियार लेकर आया सबके लिए। दूसरी तरफ भीम भी अपनी ट्राइबल गर्ल को दिल्ली से छुड़ाकर वापस ले आया। लेकिन दोस्तों, देश अभी भी अंग्रेजों से आजाद नहीं हुआ है और ट्रिपल आर 2 का पोटेंशियल स्क्रिप्टिंग भी भारत की आजादी पर बेस्ड ही की जा सकती है। मोरओवर, राम और भीम के बीच जितने भी डिफरेंसेस थे वो पूरी तरह से सॉर्टेड हो चुके हैं, जिस वजह से वो दोनों अब एक साथ मिलकर देश की आजादी के लिए लड़ेंगे। इन दोनों का डुओ क्या क्या कमाल कर सकता है उसका अंदाजा तो हमें ट्रिपल आर मूवी में ही मिल चुका है। तो अब दोस्तों, उसी कंसेप्ट को आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। अब आपके अकॉर्डिंग ट्रिपल आर मूवी की स्टोरी और कंसेप्ट क्या हो सकती है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियो, क्योंकि हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में। हमारे आज के राइटर हैं अभिषेक मिक्की।